आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे बिजली बिल बचत करना है। सबसे बड़ा चीज आज की दौर में महीना अंत होते ही एक ही बिजली बिल ओवरबर्डन हम लोग का बन जाता है। छोटा सा घर में भी 500-600 रुपया, बड़ा घर में 5,000-6,000 रुपया। ये माइंड में हमेशा रहता है कि हमारा बिजली बिल इतना आएगा, हर कोई त्रस्त है। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि हमको क्या करने से बिजली बिल कम हो जाएगा और हम लोग का पैसा बचत होगा। और सेविंग ऑफ पावर इज ऑटोमेटिकली सेविंग ऑफ जेनरेशन। ये हर नागरिक को सोचना है, अगर ये बिजली बचत हम कर रहा है, अपना तो बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिकल बैलेंस कितना हो रहा है, क्योंकि बिजली जहां पैदा होता है कोयला से होता है, तो मिनरल रिसोर्सेस भी वहां पे कम लगेगा क्योंकि जेनरेशन कम हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट, हम लोग का वातावरण भी संतुलन रहेगा, इकोसिस्टम बनेगा, इको बैलेंस बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट कितना है वो इंसान कोई नहीं सोचा, खाली अपना बिल बचत करने के लिए सोच रहा है। लेकिन फिर अपना बिल कैसे बचत करना है, मैं ये माध्यम से आपको बोलूंगा। क्योंकि पहले 1879 के आसपास में हमारा अल्वा एडिशन जी ने इनकंडेसेंट लाइट जो है यूज किए थे, एक फिलामेंट बेस्ड लाइट। वो फिलामेंट बेस्ड लाइट, जो फिलामेंट वाला लाइट ये होता है, देखिए एक फिलामेंट होता है, एक बल्ब होता है और इसका वोल्टेज होता है और ये जो लाइट देता है उसको लुमेंस बोलता है। ये 1879 के आसपास में ये आविष्कार हुई थी। वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे और उसी दौरान से ये दो करीब करीब CFL जब आया मार्केट को, क्लोरोफ्लोरोसेंट लाइट CFL लाइट जब आया, वो करीब करीब 80 दशक में आया, 1980 के आसपास में आया CFL की कंसेप्ट। और उसके पश्चात 1990 के आसपास में LED आया, लाइट एलिमिनेटिंग डायोड्स LED सिस्टम आया। देखिए कितने परिवर्तन होते जा रहा है। आइए मैं आप लोग को एक LED की मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक ये देखिए मेरा हाथ में एक है इनकंडेंसेशन जो हमारा ट्रेडिशनल चलते आ रहा था, और ये देखिए आज की दौर में चल रहा है ये एनर्जी सेवर, दैट इज कॉल्ड LED। देखिए इसमें फिलामेंट है, ये 60 वाट का है और ये सिर्फ 6 वाट का है। देखिए इसमें ना फिलामेंट है, ये दोनों को अगर मैं ये इसको अगर आप कर देंगे, इसका लाइफ करीब 1200 घंटा चलता है इसकी लाइफ, व्हेयरएज इसका लाइफ जो है 25,000 घंटा चलता है, व्हेयरएज CFL की सिर्फ 8,000 घंटा चलता है। ये कैसे चलता है, ये एक एस्टिमेशन जो लिया गया है कि आज ही 3 घंटा हम पर डे रनिंग करते हैं, पर डे अगर रनिंग कंटिन्यूस करते हैं या नॉन कंटिन्यूस करते हैं, एक एवरेज लाइफ इसकी जो आता है अगर यूज करेंगे पर डे हमारा इतनी 3 घंटा, तो इसकी लाइफ जो है 1200 आवर्स CFL के 8,000 घंटा और इसका 25,000 घंटा। आज की मार्केट रेट इसकी है 20-25 रुपया और इसका मार्केट रेट है 90-100 रुपया। मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं, और CFL की प्राइस होगा 70-75 रुपया। माय डियर फ्रेंड, ये जो परिवर्तनशील हुआ इनकंडेंसेशन लाइट से लेकर CFL और आज ये दुनिया जो देख रहा है CFL ये LED को, ये तात्पर्य मैं बताऊंगा, इसका कैलकुलेशन बताऊंगा और ये कैलकुलेशन आपको आज जानकारी मिल जाएगा और टिप्स आपको जानकारी हो जाएगा, तो आपको फिर कभी
बिजली बिल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये एक लाइट में करीब 20-25 लाइट की आवश्यकता होता है। इसका लाइट के बराबर में अगर इसको आप करेंगे वो कैलकुलेशन में आएगा कितना लाइट आपको लगभग आता है, कितने बल्ब आपको चेंज करना पड़ेगा जिंदगी भरी, और इसका बिजली बिल कितना आपको दिया देना पड़ेगा, और ये अगर इसका बिजली बिल कितना देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन पार्ट में आएगा। पहला पार्ट में मैं आपको बताने चाहूंगा कि आइए हम आपको टिप्स बताते हैं कैसे आप बिजली सेविंग करेंगे, उसका टिप्स या मंत्र या फॉर्मूला या गाइडलाइंस मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हर बिजनेसमैन को, हर डोमेस्टिक को और हर इंस्टीट्यूट को, स्कूल को, कॉलेज को या फिर हमारा ऑफिस को, हर जगह में आप इसको अगर आप यूज करेंगे देखेंगे बिजली बिल हर महीना डिटोरेट होके सीधा सीधा आपको 50% से 60% तक रहेगा, 40% माइनस हो जाएगा। आपकी दो प्रकार एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है, इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टिप्स एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट आपके ऊपर खुद के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपका घर में या आपका स्कूल में, आपका कॉलेज में या आपका यूनिवर्सिटी में जाके मैं स्विच बंद नहीं करूंगा, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आइटम को मैं जाके जो ये टिप्स के लिए काम नहीं करूंगा। आपका बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सबॉर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो बियरल लोग के ऊपर, आपका इंस्ट्रक्शन के ऊपर, आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कमांडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि ये करने से आपको ये होगा। यू हैव टू काउंसिल, यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग देम हाउ टू सेव द बिजली बिल्स एंड सेव द एनर्जी फॉर द सेल ऑफ द एनवायरमेंटल बैलेंस इकोसिस्टम। आइए सर्वप्रथम चेंज योर इनकैंडेसेंट लाइट विथ योर एलईडी बल्ब्स। मैंने देखो रखा हूं अभी, इसी में भूल करोगे तो पछताओगे, और सोचोगे जो बिल देते आ रहा है वैसे ही देते रहेगा, वो कभी यूज नहीं होगा। मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा इस पार्ट में। आइए नेक्स्ट, वॉश योर क्लॉथ इन योर कोल्ड वाटर, थोड़ा कोल्ड वाटर में करिए, गर्म पानी में करने से आपको गीजर का पैसा देना पड़ेगा, हीटर का पैसा देना पड़ेगा, या फिर आप अगर और कोई अप्लायंसेस में यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप बोलोगे गैस, ये गैस कहां से बनती है, तो गैस का बिल भी देना पड़ेगा, मतलब गैस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से बन के आया है। तो आप वॉश योर क्लॉथ्स इन द कोल्ड वाटर, एयर सील योर होम, ये 10% करीब अगर आप सारी खिड़कियां अगर खुला रखे, देखिए खुला रखा, अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूं, गर्मी ये गर्मी के दिन में आएगा नहीं गर्मी हो, और कोल्ड में अगर मैं बंद कर देता हूं, विंटर में अगर बंद कर देता हूं खिड़कियां, या लीकेजेस या एयर गैप्स क्या होगा, या कॉटन डाल दूंगा क्या होगा, तो ये जो रूम का जो टेम्परेचर 10% डाउन हो जाएगा, उसी हिसाब से आपका हीटर और जो ठंडी के दिन में हीटर, गर्मी के दिन में एसी, अगर रूम टेम्परेचर 10% सेव हो गया तो आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से उनका जो ऑपरेशन जो एसी या हीटर का टेम्परेचर आपको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, वहां पे बिजली बिल बचत होगा। आइए देन क्लीन योर और रिप्लेसमेंट ऑफ योर फिल्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका पास घर में छोटा मोटा हो, वॉशिंग मशीन होता है, एयर प्यूरिफायर होता है, या वाटर हीटर होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, ये जितनी आइटम्स सब है उसका बीच बीच में जो फिल्टर होता है उसको क्लीन करिए, वो जाम हो जाता है, डस्ट एक्यूमुलेटेड हो जाए, कचरा एक्यूमुलेटेड हो जाता है, उसको साफ करिए, क्योंकि मशीन के ऊपर जब बर्डन पड़ता है, चाहे वो किस प्रकार अप्लायंसेस भी हो, जब बर्डन पड़ता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन करता है, जहां एक यूनिट होना चाहिए वहां पे मोर देन वन यूनिट खर्चा होता है, इसीलिए इमीडिएटली रिप्लेस और क्लीन द फिल्टर्स बीच बीच में इंटरवल। उसमें देखोगे आपकी मशीन की लाइफ तो बढ़ेगा बढ़ेगा, उसमें एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगा। देन आपने क्या करते हैं, इंडक्शन हीटर भी लगा देते हैं, या इलेक्ट्रिक इंडक्शन हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर में या स्टोव के ऊपर में खाना बनाते हो, या कुछ भी आप गर्म करते, दूध करते, चाय बनाते हो। आपको कभी सोचे हो 2000 वाट का होता है वो, और एक यूनिट मैंने एक घंटा में कितना यूनिट, 1.5-2 यूनिट निकाले। अगर उसको आप माइक्रो ओवन में करेंगे तो आपका वो पैसा तुरंत को तुरंत बचत हो जाएगा। माइक्रो ओवन को आप यूज करिए इंस्टेड ऑफ इंडक्शन हीटर,
और स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव। आपको ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, फ्रिज चल रहा है साल भर ही चल रहा है, महीना भर ही चल रहा है। आपको मैं बोल रहा हूँ 1/4 inch जब आपका देखोगे आइस जम गया है उसको डिफ्रॉस्ट कर दीजिए, डिफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर को कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरा पिघल जाने दीजिए। उसका जब जब अगर आप उसको डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ओवरलोड होगा और जो एनर्जी ज्यादा कंजप्शन करेगा। इसीलिए फ्रीजर को आपको बीच बीच में देखिए कि आइस एक्युमुलेटेड हो गया उसको डिफ्रॉस्ट करिए फ्रीजर को और इसको। एंड आप एक काम करिए, गर्मी का दिन में आप जो सामने धूप आता है घर का अंदर में घुसता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत ऐसे कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर इंसान से ज्यादा क्या होता है कर देते हैं। या फिर ठंडी के दिन में आप देखोगे कि बहुत हवा तेज चल रहा है, हीटर ऑन कर देते हैं। आप ऐसा करिए जिस प्रकार जो सनशाइन आ रहा है उसको पीक विंटर में, पीक समर में, उस समय आप शेड लगाइए या फिर आप सोलर कि जो स्क्रीन या फिलिंग लगाइए। आप देखेंगे उसमें बहुत सारे आपको जो एसी की ऊपर में जो लोड कम होगा उसी हिसाब से आपका बिजली बचेगा। देन आप लोग का एक ही इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, हम लोग का आदत है, एटीट्यूड है कि हम कुछ माइक्रो ओवन में हो या स्टोव में हो या कहीं हो इलेक्ट्रॉनिक्स यूटेंसिल्स में खाना हम बन रहा है या कुछ आइटम बना रहा है, हम उसका जो टेम्परेचर प्रोग्रामेबल टेम्परेचर या फिनिशिंग टाइम के बीच में नहीं होने से पहले बीच में हम खोल देते हैं देखने के लिए, एंग्जियस क्यूरियोसिटी के लिए कि ये हो गया कि पक गया कि नहीं पका। लेकिन आपको पता है एक बार खोल देने से 25 तारे मिनट उसको डाउन हो जाता है टेम्परेचर, फिर वो 25 डिग्री जब तक आएगा तब तक फिर आपका बिजली पड़ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका समझ में ये आता है तो आप जो खाना नहीं पक जाता है उसका प्रोग्रामेबल टाइम जो थर्मोस्टैट जब तक ये क्लियर नहीं हुआ है तब तक उसको ओपन मत करिए, ढक्कन को खोलिए मत। वो अगर होगा देन आपका ये 25 डिग्री फारेनहाइट जो डाउन होता है ये सस्टेनेबल रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा। देन यूज नेचुरल लाइट। आजकल आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द खिड़कियां आजकल ये देखिए ये सब पर्दा लगाने के बाद यहाँ पे हम लाइट सिस्टम रखे हैं। देखिए क्यों ये लाइट सिस्टम, ये देखिए ये जो नेचुरल लाइट लाने के लिए यहाँ सिस्टम, ये जो विंडो सिस्टम को आप यूज करिए ताकि कि नेचुरल लाइट जब घर को आएगा आपका लाइट कंजप्शन कम हो जाएगा। एंड खिड़की में आप लोग देखिए ये पैंस नहीं लगाते, आप लोग इसमें खिड़की में आप लगभग इसको सब ग्लास का पैंस लगाए ताकि कि आपको नेचुरल लाइट आते रहे। एंड आपका ये क्या है कंट्रोल आपका फीचर, जो बहुत सारे जो फीचर्स है आपको इलेक्ट्रॉनिक बेस प्रोग्रामेबल बेस में लीजिए, एनर्जी एफिशिएंट लीजिए जिसमें 5-star रेटिंग होता है उसमें बिजली बचत होता है, और फिक्स्चर में जो आइटम जरूरी है उसको ही ऑन करिए, लगाइए सब कुछ आवश्यक के मुताबिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक ही रूम में हम लोग आएंगे एडजस्ट करिए, अडॉप्ट करिए, अकोमोडेट करिए। एक रूम में गर्मी के दिन में एक एसी में रहिए, चार रूम है तो चार एसी और अलग अलग रूम में रहने से ये क्या होगा, ये ह्यूमन बिहेवियर को आप फिक्स्चर के साथ भी चेंज कराइए। देन मैं क्या बोलना हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट कीप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑन। जैसे कि हम लोग चला जाते हैं ऑफिस या घर या ऑफिस में बैठ जाते हैं, जरूरत नहीं है मॉनिटर पीसी यूपीएस आपकी प्रिंटिंग मशीन आपका जेरक्स मशीन फैक्स मशीन सब ऑन करके छोड़ के चला जाता है। आपको पता है वो अननेसेसरी बिजली कंजप्शन कर रहा है या घर में हम लोग छोड़ के ऑन करके आ जाते हैं, तो कोई भी अनावश्यक चीज है उसको हम ऑन करके छोड़ के आ जाते हैं, ये अवॉइड करिए। कोई भी चीज को ऑन पोजिशन में मत करिए, इसमें दोबारा बिजली बिल के साथ साथ आइटम भी नष्ट होता है। मान लीजिए लाइटिंग हुआ थंडरिंग हुआ आपका प्रॉपर आर्थिंग नहीं है और आप जब घर को जाएंगे वो ऑन कंडीशन में जल गया, उसका फ्यूज उड़ गया, उसका कंट्रोल फ्यूज या पावर फ्यूज या लाइटिंग फ्यूज ये सब उड़ गया अगर आर्थिंग नहीं होगा तो, और बहुत सारे भी ऐसे होते रहता। टू सेव मनी एज वेल एज अप्लायंसेस और आइटम्स इसको ऑन करके मत छोड़िए। थर्मोस्टैट बेसिस में आप
जो विंटर में आपको करीब करीब 68 करंट में एसी को चलाइए, 78 डिग्री समर में चलाइए, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपका फीलिंग होगा और एनर्जी सेविंग होगा। और थर्मोस्टैट बेसिस में प्रोग्रामेबल बेसिस का फैन आजकल एनर्जी एफिशिएंट यूज करिए, चाहे वो टेबल फैन हो या स्टैंडिंग फैन हो, पैडल स्टेल हो या सीलिंग फैन हो, वो फैन को यूज करिए। रेफ्रिजरेटर में हम लोग लेते हैं और खुला छोड़ देते हैं, सब्जी हो, खाना हो, कुछ हो या ना हो, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ऑन कंडीशन में। आप लोग को ये माध्यम से पता होनी चाहिए कि फ्रिज के अंदर में अगर लोड नहीं है तो एक्स्ट्रा बिल कंजप्शन करेगा। नो लोड कंडीशन इज हायर कंजप्शन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैनुअल है, रिकमेंडेशन है, प्लीज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। If it is empty, then load will be also load consumption will be high. If it is extra excess of load, also consumption will be high. So optimum load, अगर कुछ नहीं है, सब्जी नहीं है, क्या करना चाहिए? सीधा पानी बोतल रख दीजिए ना, ऑप्टिमम लोड यूज करिए आपका, तब ये जो रेटिंग आपका काम करेगा, 5-star rating, 3-star rating, 2-star rating तब फंक्शन करेगा, अदरवाइज आपका लोड अननेसेसरी चलते रहेगा। और ये वॉशिंग मशीन सबका घर में होगा या नहीं होगा, जिसका घर में है वॉशिंग मशीन को नाइट का आवर में यूज करिए, क्योंकि डे आवर में क्या होता है, लोड फ्लक्चुएशन होता है और पीक लोड जो ग्रिड के ऊपर होता है वो 4 बजे से लेकर 6 बजे, नाइट को जब करेंगे जो मशीन की जो एफिशिएंसी लेवल हाई होगा और ग्रिड के ऊपर में लोड आएगा नहीं और आपका जो साइकिल टाइम है वो फुल स्विंग में रहेगा और आज पर द मैनुअल टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो इफ इट इज लेस वोल्टेज द साइकिल टाइम अगेन विल बी मोर, कंजप्शन विल बी मोर। तो इसको आप नाइट में वॉशिंग मशीन को यूज करिए, मैं सब टिप्स बोल रहा हूँ, ये घरेलू टिप्स, आप मानोगे आपका बिजली बिल बचत होगा। देखिए बिजली बिल यहां से यहां मैं बताऊंगा यहां से यहां कितना बचत होगा। सो टर्न ऑफ हीटर ड्राई एंड डिशवॉशर, आपका कोशिश करिए जब वॉशिंग मशीन हो गया आप बाहर लेकर सुखा देने के लिए, नहीं तो अननेसेसरी ड्राइंग करते रहेंगे वो सूखते रहे, वो बिजली को आप चाहे तो बचत कर सकते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैनुअल हिसाब से जो रिकमेंडेशन दिया है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसी हिसाब से चलाइए, जिसको जो टेम्परेचर में, जिसको जो प्रोग्राम में, जिसको जो फोटोसेल में। मान लीजिए मैं एक बार बोल रहा हूं, यहां पे आप अगर टाइमर लगा दिया, एक लाइट में टाइमर लगा दिया, शाम को 6 बजे जलेगा और सुबह 6 बजे बंद हो जाएगा, या फोटो सेल लगा दिया, आपका हो गया ना बाबू काम। अगर 6 बजे के जगह में 5 बजे ऑन कर देते हैं, 6 बजे नींद लग गया, 7 बजे बंद करते हैं, 1 घंटा अगर पर डे बचत किया, 30 डेज में 30 आवर्स बचत हुआ, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ह्यूमन नेचर है, वो सो जाओ या भूल गया, एब्सेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेस में हो, कोई अन्यमनस्क हो, लेकिन आपका काम जो है वो काम करेगा कौन, फोटो सेल एंड टाइमर। इसीलिए यूज ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आज पर मैनुअल एंड प्रोग्रामेबल बेसिस में चलिए, आपको पैसा काफी बचत होगा। किचन बाथरूम में आप देखेंगे हमेशा 24 आवर्स ये एटीट्यूड हो गया है, एग्जॉस्ट फैन नहीं तो वेंटिलेशन फैन चलते रहता है, इसको भाई बंद करिए। आप देखिए अगर ये 12 घंटा चलते रहता है नोइंगली और अननोइंगली, अगर उसको आप स्टॉप करोगे देन यू विल सेव मनी। देन रिड्यूस योर विंडो फैंस, आप ये चीज देखेंगे, ये विंडो में गर्मी का दिन में आप क्या करते हैं, बहुत गर्मी पेनिट्रेट होता है, आप एसी चालू कर देते हैं, अगर इसको सन फिल्म लगा देंगे या कर्टन लगा देंगे तो आपका रूम टेम्परेचर समोट 10% से 15% कूल रहेगा, ताकि कि आपका एसी का ऑटोमेटिक जो थर्मोस्टैट है वो कम हो जाएगा, एसी जो रिक्वायरमेंट है 30 मिनट में ट्रिप होने का वो 20 मिनट में ट्रिप हो जाएगा, एनर्जी कंजप्शन कट ऑफ हो जाएगा, रूम कूल रहेगा। अगेन रिस्टार्ट जब होगा जो 20 मिनट में होना चाहिए वो 40 मिनट में होगा, मनी विल बी सेव फॉर यू एंड अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इट विल सेल्फ सेव द नेशंस प्रॉपर्टी एंड नेशंस मिनरल रिसोर्सेस एंड इट विल बी अगेन सस्टेनेबिलिटी फॉर द नेशंस जीडीपी ग्रोथ। देन नाउ यू कम प्रोग्रामेबल आइटम्स, मैंने ऑलरेडी अभी बोला था कि कोई भी आइटम हो इट शुड बी, हम ह्यूमन एरर करेंगे लेकिन मशीन की जो प्रोग्राम है वो
फिक्स प्रोग्राम है, आप उसी हिसाब से चलेंगे कि फैन शुड बी रन स्लो स्पीड, उसका प्रोग्राम है, वो ऑटोमेटिक इतना टाइम है, जैसे इंसान घुसेगा वो ऑटोमेटिक चलेगा, प्रोग्राम है। माइक्रो ओवन आप जब चलाते हो कि 3 मिनट में मेरा ये वार्म हो जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक बंद करेगा, इंसान को कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप खाली बटन दबाइए। प्रोग्राम लोग आइटम अगर यूज करेंगे देन ये सेव करेगा, जो साइकिल टाइम को रिड्यूस करेगा और पैसा का बचत करेगा, बिजली बिल बचत करेगा। टर्न ऑफ लाइट्स ऑटोमेटिक जो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, आजकल देखेंगे मोबाइल में एडप्टिव ब्राइटनेस आता है, क्यों? बैटरी सेव के लिए आता है कि नहीं आता है? सबके लिए आता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए भारत वर्ष में 140 करोड़ लगभग आबादी है, और आप लोगों को सुन के ये आश्चर्य होगा भारत वर्ष में आज ऑन डेट लगभग 152 करोड़ मोबाइल यूज होता है, 152 करोड़। अगर 152 करोड़ का बैटरी को अगर हम एडप्टिव ये में करेंगे, ऑन कर देंगे, अगर उसको करेंगे तो मोबाइल को यूज करने में भी हम लोग को जो एनर्जी कंजम्पशन अगर 152 करोड़ लोग बचाएंगे, कितना बचेगा? सिंपल एग्जांपल। सो आपको ये लाइट को हमेशा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में आप रखिए। आजकल बहुत सारे स्विचेस आ गया है, स्विच गियर सिस्टम आ गया है, उसी हिसाब से आप लोग चाहिए, और बल्ब आ गया, आपको स्टेबिलाईजर लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, सप्लाई चला गया, आपको यूपीएस लेके, इन्वर्टर लेके या फिर सर्वो स्टेबिलाईजर लेके काम करने की कोई जरूरत नहीं, बल्ब आ गया, दिन भर ही उसी में जब करंट है वो चार्ज होते रहेगा, जब करंट चला गया वो रिचार्ज होते रहेगा। टर्न ऑफ ओवन को आप ऑन करके छोड़ देते, कोई भी आइटम हीटर को ऑन करके छोड़ देते हो, सभी प्लग को अनप्लग करो, ऑफ तो करोगे करोगे, उसको अनप्लग करो, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं तो स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि वो सर्किट जो है क्लोज पाथ जो है स्विच तक है, करंट हमेशा है, क्योंकि स्विच तक है, स्विच ऑन करते ही सर्किट वो फिर फ्लो हो जाता है, पूरा टोटल गैप जो है ये स्विच है, देखिए ये स्विच है, अगर आपने ये पूरा साइकिल कंप्लीट है, ये स्विच अगर आप ऑफ कर दिया, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट तो खैर ऑफ है, लेकिन सर्किट तो आइटम के अंदर में पूरा पूरा चल रहा है, देखिए कंटिन्यूटी है, करंट तो जाएगा, इसको बचत करना है, मतलब ये खाली ऑन करने से ये ऑन हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, लेकिन हमेशा इसको सर्किट को ये जो ब्लॉक से डिटैच कर दीजिए, ये ब्लॉक से ही आउट कर दीजिए, जब जरूरत है तब लगा दीजिए। फोकस आइटम प्लेसमेंट, मान लीजिए आइटम आप जिस जगह में माइक्रो ओवन में, सेंटर में या इंडक्शन हीटर में जहां हमको इंटेंसिटी मिलता है, या मशीन के जो वॉशिंग मशीन में जहां कपड़ा रखना है, प्लेस योर आइटम्स प्रॉपरली एज पर द रिक्वायर्ड एंड डिजाइन प्लेस ओनली। इधर उधर कर देने से इंबैलेंस होगा, ताकि कि आपकी जो प्रोग्राम हिसाब से वो मैनुअल हिसाब से आपका काम नहीं करेगा। देन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रेस एज पर द वेदर। मान लीजिए ठंडी के दिन में आप कपड़ा नहीं पहन के, ड्रेस नहीं पहन के हीटर को ऑन कर रहे हैं घर में, आप गर्मी का दिन में रूम को कूल ना रख के आप एसी को ऑन कर रहे हैं, खुला मोटा कमल ज्यादा हो रहा है और गर्मी हो रहा है, तो आज पर द वेदर आपको ड्रेस सेंस होनी चाहिए, ताकि कि यू विल सेव द मनी विथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑन एंड ऑफ। अगर आप ड्रेस के हिसाब से करेंगे तो आपका बिजली की जो खपत करता है, जो हीटर हो या एसी हो या कूलर हो या फैन हो, उसमें वो बचत होगा। लास्ट में आपका मोबाइल फोन को आप 100% होने के बाद भी वो प्लग में लगे रहता है, उसको आप खोल के भाई रखिए, एक तो वो डैमेज होगा बैटरी, और अननेसेसरी वो साइकिल चलते रहता है, और वो उस बैटरी का लाइफ के साथ साथ बिजली का भी खपत होते रहता है। आप हमेशा जैसे कंप्लीट हो गया 99% या 100% उसको अनप्लग कर। नाउ आई एम कमिंग टू द बिहेवियर प्रैक्टिस, ये तो हो गया टिप्स, मैं बिहेवियरल प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ, एडजस्ट योर डे टू डे बिहेवियर। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, आपको खुद को परिवर्तन करोगे तब उसी मेंटालिटी के हिसाब से आपका
एक्टिविटीज बदलेगा और आपका डिसिप्लिन हो जाते, सेंसिटिविटी हो जाते, नहीं मुझे बिजली बचत करना है और इकोसिस्टम के साथ इको बैलेंस होकर चलना है, मेरे नेचर के साथ चलना है, सस्टेनेबिलिटी लाना है, तब आपका बिहेवियर को उसी एंगल में ट्यून करिए। एंड रिप्लेस योर लाइट बल्ब्स, मैंने बोल दिया आप रेगुलरली जहां जहां ये बल्ब है इसको आप रिप्लेस करिए एलईडी में, सीएफएल में नहीं है, मैं उसका कंपैरिजन बताऊंगा। यूज स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स, स्मार्ट स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आजकल जो स्मार्ट सिस्टम आया है, स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट बोलता है, 5 star 2 star हायर स्टार में मींस उसका हायर स्टार मींस लेस कंजप्शन। कोशिश करिए हमेशा 4 star 5 star रेटिंग, हायर रेटिंग लेने के लिए। यूज योर एनर्जी एफिशिएंट विंडोज, ये क्या होता है, ये जैसे होता है आजकल सन फिल्म ग्लास आ गया, अगर आप लकड़ी रखते हो पसंद नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लकड़ी रखा है सेंटर में, आ रहा है क्या लाइट नहीं आ रहा, बट अगर नीचे पैन में देखिए हमने ग्लास लगा दिया, अगर वो ग्लास के ऊपर हम सन फिल्म लगा देंगे देन डुअल काम करेगा, लाइट सेटिंग करेगा, कूलिंग करेगा और आपका कंजप्शन भी उसी हिसाब से, जो एसी हो कूलर हो फैन का उसी हिसाब से होगा। देन यूज एफिशिएंट अप्लायंसेस, माने हायर रेटिंग की अप्लायंसेस जितनी भी, चाहे मॉनिटर हो, फ्रीजर हो, कूलर हो, माइक्रोवेव हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, व्हाटएवर इट मे बी, आपने हायर रेटिंग एंड एनर्जी जो एफिशिएंट वाला वो आप यूज करिए। यूज वाटर हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे कि वाटर हीटिंग अप्लायंसेस सोलर बेस्ड लीजिए, सोलर बेस्ड में लेंगे तो ऑटोमेटिक सोलर एनर्जी से वो हीट होगा, आपको इलेक्ट्रिक कंजप्शन देने की नहीं है। वंस इन्हें ब्लू मून लगा दिया 25 साल फूट एंड फॉरगेट 25 साल तक। वाटर हीटिंग जो अप्लायंसेस लीजिए सोलर बेस्ड सिस्टम में लीजिए, अपग्रेड योर हाई वोल्टेज एसी सिस्टम एंड वेदराइज योर होम। आपको होम को मैंने बता रहा हूं, जब विंटर आता है उसी हिसाब से खिड़कियां बंद करिए, कॉटन को डालिए, गैप को लीकेज को एयर गैप को बंद करिए, देखिए रूम का टेम्परेचर होगा। अगर जब समर आ जाता है उसी हिसाब से आप सन साइड की फिल्म लगाइए या फिर कॉटन लगाइए, या फिर आजकल वो डोमेस्टिक आइटम्स आता है जो बंबू की बना हुआ और घास का बना हुआ आप आता है उसको लगाइए, ताकि उससे भी आपको बचत होगा, एसी सिस्टम में जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो उसमें बचत होगा। इंसुलेट योर होम, मैंने बता दिया उसका थर्मोकूलिंग भी कर सकते हैं ऑफिस को, या आपने हाई सोसाइटी हाई लाइफस्टाइल पास में रखते हैं, आप इंसुलेट करेंगे तो आपका कूलिंग सिस्टम माने इनसाइड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी डेवलप हो जाएगा। थिंक योर मंथली बिल, ऑलवेज आपका माइंड में मंथली बिल के बारे में विचार होनी चाहिए और आपका सेविंग का प्रयास होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए। प्रमोट सोलर बेस्ड अप्लायंसेस, कोशिश करिए सोलर हीटर, सोलर राइस कुकर, सोलर ग्राइंडर, सोलर की चार्जर, सोलर टॉर्च, सोलर लाइट, सोलर बेस्ड की करेंगे तो ऑटोमेटिक 60-70% ऐसे ही डिटोरिएट हो जाएगा आपका बिल। यूज टॉप रूफटॉप सोलर, आपने जो बिजली को आपने यूज कर रहा है कोशिश करिए आपका खाली छत पड़ा हुआ है उसमें आप सोलर सिस्टम रूफटॉप सोलर लगा देंगे, उसी सोलर को अगर यूज करेंगे तो आपने ये जो नेचुरल रिसोर्सेस से जो बन रहा है बायोमास में कोयला से या फिर पानी से, ये सारी चीजें से जो बिजली पैदा होता है वो हमारा धरोहर को सुरक्षित रखेगा। हम यूज नहीं करेंगे, हम सोलर एनर्जी यूज करेंगे, ये दोनों प्रकार, और बिजली बिल बचत होगा। अगर आप घर में नहीं भी है नेट रेटिंग हिसाब से वो क्या करेगा, रिवर्स फ्लो करके आपको पैसा जो बिल देने का जगह में बिल आने लगेगा, आपका खाता में क्रेडिट होने लगेगा अगर आप यूज नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट है। इसी में आपको सोलर रूफटॉप सोलर प्रति आपको इच्छा होनी चाहिए, सरकार का इसका योजना भी है, ये सोलर पंप लगाना चाहिए, वाटर पंप लगाना चाहिए और एनर्जी लेवल जो आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 किलोवाट है, मेरे घर के 4 किलोवाट है,
कि मेरा खेत ए वन एकड़ है, टू एकड़ है, सोलर पंप लगाना चाहिए खेतों में। अगर आपका खेत में नहीं होता है, दूसरा खेत में पानी दीजिए, या ओवरहेड टैंक में पानी को रख के दूसरा जगह को आप डाइवर्ट करिए नाइट में। ये सारी सोलर सिस्टम का बेनिफिट में आप भी पैसा बचत कर सकते हो, बिजली बिल घर में डोमेस्टिक खर्च कर सकते हो। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स में यह बोलना चाहूंगा कि इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है, बिजली बिल कैसे बचत करना है, आइए मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं कि इनकैंडेशन जलने से क्या होगा, एलईडी जलने से कितना पैसा बचत होगा। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एंड यू विल फाइंड द एनर्जी सेविंग कॉस्ट थ्रू दिस कैलकुलेशन। कि हमने इनकैंडेशेंट लाइट, जो ट्रेडिशनल लाइट लगाने से कितनी खर्चा होगा, सीएफएल लगाने से कितना खर्चा होगा एंड एलईडी लगाने से कितना खर्चा होगा, आपको डिसीजन लेना है मेरा ये कैलकुलेशन से आपको सब कुछ क्लियर होने के बाद। देन ओनली आपको लगेगा कि हम किस धारा में जाना चाहिए बिजली बिल बचत करने के लिए। और घर में ज्यादातर हम लाइटिंग में करीब 30-40% हम लोड यूज करते हैं जनरली, चाहे छोटा फैमिली हो बड़ा फैमिली हो, हम जो 8 घंटा शाम को यूज करते हैं मोस्टली लाइट में हमारा लोड आ जाता है। आइए जो ये है ब्राइटनेस, जिसको हम लुमेन बोलते हैं, एंड लुमेन इज नॉट अ वाट, वाट जो होता है वो एनर्जी कंजम्पशन का यूनिट है, और ये ब्राइटनेस की जो उजाला का जो है लुमेन कहते हैं। आइए हम इनकैंडेसेंट अगर 40 वाट लाइट के लिए 400-500 लुमेन होता है वो जो उजाला के लिए, वहां पे सीएफएल में 8-13 वाट की होती है और वहां पे एलईडी का 6-7 वाट की होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य ये लुमेन, ये जो आपने ब्राइटनेस के लिए अगर आप इनकैंडेसेंट लाइट यूज करेंगे तो 40 वाट जरूर पड़ेगा। अगर आप सीएफएल होता है ये 8-13 वाट या 12 वाट की जरूरत पड़ेगा, और अगर एलईडी यूज करते हैं ये 6-7 वाट लगे। सिमिलरली अगर आप 650-850 लुमेन यूज करते हैं, ये मैं टेबल दिया हूं 60 वाट से 13-18 वाट, और वहां पे 7-12 वाट लगेगा। ये टेबल में सब अप टू 2700 लुमेन तक है, 2700 लुमेन में 1500 वाट इनकैंडेसेंट लगेगा तो आपको सीएफएल 30-55 वाट लगेगा और आपका एलईडी से 25-30 वाट के उतना ही उजाला ये पैदा करेगा। नाउ कम टू द एवरेज लाइफ, ये एवरेज लाइफ जो लिया गया है, आज ही 3 घंटा रनिंग आवर्स लिया है बेस्ड ऑन 3 आवर्स रनिंग आवर्स का एवरेज लाइफ लिया है। अगर इनकैंडेसेंट का एवरेज लाइफ 1200 घंटा होता है और सीएफएल का 8000 घंटा होता है और एलईडी की 25000 आवर्स होता है, क्लियर? नाउ कम टू द कैलकुलेशन एंड एनर्जी सेविंग पार्ट। अगर मैं इनकैंडेसेंट लाइट लेता हूं, अगर मैं 1 एलईडी बल्ब यूज किया, 1 एलईडी बल्ब अगर मैंने यूज किया, इसका आएगा कितना, 25 घंटा लाइट। अगर उस जगह में मान लीजिए हमने यूज करते हैं इनकैंडेसेंट ये लाइट 40 वाट की, और ये आप देख लीजिए यूज कर रहा हूं मैं 60 वाट की, ये 60 वाट का बल्ब है, ये 40 वाट का है, ये 40 वाट का अगर मैं कैलकुलेशन जानता हूं तो 1200 एवरेज लाइट मींस, अगर 1 एलईडी बल्ब लगाने से उसका जो लाइफ है उसी लाइफ पीरियड में ये बल्ब अंडर इनकैंडेसेंट लाइट करीब करीब आपका 20 लाइट आपको चाहिए, उसका लाइट के आधार पे इसको 20 लाइट चाहिए, लगभग 20 बल्ब इसका एक बार लगा दीजिए, ये 25000 घंटा उजाला करते करते ये आपको 1200 घंटा देते देते आपको 20 बल्ब चेंज करना पड़ेगा लगभग। अगर 20 बल्ब का दाम अगर 20 रुपया हिसाब से लेता हूं, अगर जानकारी आदमी को, बुद्धिमान आदमी को, समझने वाला आदमी को ये कैलकुलेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लगभग जो है 416 रुपये खर्चा पड़ जाएगा इसका लाइफ पीरियड के अंदर में, क्लियर? तो इसका दाम 90 रुपया है मार्केट में, और आप सोच लीजिए ये टोटल इसका लाइफ के अंदर में आपका 416 रुपया, दैट मीन्स
आप करीब करीब कितना बल्ब 20 बल्ब और कितना लाइट में हो जाएगा, ये 90 रुपया के हिसाब से ये 5 करीब हो जाएगा, 4.5-5 हो जाएगा, 80-90 रुपया। सुन लीजिए, देन आइए हम बिजली बिल बचत करने का बात करते हैं। अगर इसको हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज नहीं करते हैं एलईडी को, हम इनकैंडेसेंट यूज करते हैं, उसका कैलकुलेशन अगर 40 वाट की ये है और पर डे मैंने 8 घंटा यूज किया और मैंने 365 दिन का एनुअल हिसाब कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि मैं यूनिट लाना चाहता हूँ, तो मेरे को 116.8 यूनिट खर्चा होता है सालाना, मुझे बिजली बिल कितना देना है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अगर 8 रुपए हिसाब से पर यूनिट मुझे सालाना एक बल्ब के लिए, ओनली वन बल्ब के लिए मुझे ईयरली 934.46 रुपया लगभग मुझे देना पड़ेगा इनकैंडेसेंट में। क्लियर? अगर ये 40 वाट का इनकैंडेसेंट की जगह में मैं अगर सीएम कर लेता हूं देन 12 वाट, देखिए अगर आइए एक सीएमएल का लाइट होता है कितना 8000, तो अगर मैंने 25 एक बल्ब मैंने लगा दिया और उस जगह पर मैंने सीएमएल में चाहता हूं यूज करने के लिए, आइए 25000 डिवाइडेड बाय 8000 ये 3.125 इनटू अगर 80 रुपया देता हूं मैं सीएफएल के दाम, देन ये आता है 250 रुपया। फिर करीब करीब आपको 3 बल्ब अगर एक बार ये लगाने से 25000 घंटा देता है, अगर मैंने सीएफएल लगा दिया तो सीएफएल का पीरियड से देखिए आपको 3 बल्ब चेंज करना पड़ेगा और जिसका कॉस्ट हो जाता है लगभग 250 रुपया, और 250 रुपया का इसका लाइफ के हिसाब से अगर करेंगे करीब 3 बल्ब आपको मिल जाएगा। क्लियर ना? अगर मैं इलेक्ट्रिक बचत की बात कर रहा हूं, आइए 12 वाट सीएफएल अगर मैं यूज करता हूं, 8 घंटा यूज करता हूं और 365 डिवाइडेड बाय 1000 एकदम क्लियर कट या कैलकुलेशन जिसको समझ में आ जाएगा, बिजली बिल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आया 30.04 अगर यूनिट मेरा खर्चा हो जाएगा 8 रुपया हिसाब से 280 रुपया। माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी यहां पे मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं, इनकंडेंसेंट लगाने से आपको सालाना एक बल्ब को देना पड़ेगा सेम लुमेन इंटेंसिटी सेम ब्राइटनेस के लिए 934 रुपया, और सीएफएल यूज करेंगे तो देंगे 280 रुपया। यू फाइंड आउट द डिफरेंस, यू आर नेट सेविंग अराउंड 600 प्लस एक सीएफएल अगर यूज करते हैं। आइए टुडे डेट को, जो एलईडी की जमाना चल रहा है मैं इसको भूल गया, नाउ आई एम थ्रोन इट, फेंक दिया, जरूरत नहीं है, मैं ये जमाना को आ गया, आई केम टू दिस एज एलईडी एज कम। अगर सेम लुमेन को मैंने 25000 एक बल्ब लगा दिया और सेम लुमेन मेरे को चाहिए 400 से 500 एक बल्ब में मेरा काम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें ना फिलामेंट होता है, ना कोई गैस होता है, ना कोई हीटिंग इफेक्ट होता है, ना कोई हमको नेचुरल रिसोर्सेस का खपत होती है। आइए 25000 घंटा का एक बल्ब लगाया जिसका दाम मार्केट में आज की दर में लगभग 90 रुपये, हो सकता है 2 रुपया कम और ज्यादा, एक एवरेज मैंने लिया 90 रुपया। आइए भाई अगर मैं 7 वाट बल्ब यूज किया, 8 घंटा मैंने यूज किया पर डे, 365 दिन के लिए मैंने 7 का लिया और 1000 में मैं इसीलिए कर रहा हूं एक न्यूमेरिकल फिगर यूनिटी लाने के लिए, मुझे 20 यूनिट लगभग 20.4 यूनिट खपत होता है एंड 8 रुपया सेम 8 रुपया के हिसाब से मेरा 163 रुपया। आप अगर 934 रुपया और 163 रुपया लगभग माय डियर फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू विन 800 रुपीस, इट इज योर बेनिफिट। अगर एक बल्ब में आप अगर 800 रुपया बचत कर रहे हैं लगभग अगर 10 बल्ब अगर यूज करते हैं 10 into 10 तो देन
8000 रुपया पर ईयर यू आर सेविंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन फॉर योर इंश्योरेंस वैल्यू योर मेनी अदर थिंग्स ओनली बॉल में आपका 8000 होता है अगर इनकंडेंसेंट से अगर इसको कंपेयर करेंगे। अगर फिर इन बिटवीन एज में जो आया सीएफएल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे करीब करीब आपका आ जाता है 130 रुपया डिफरेंस 130 × 10 balls माय डियर अगेन आपकी आता है 1300 रुपया। दिस इज योर पॉकेट मनी चिल्ड्रंस मनी 10 rupees पर देते रहिए बच्चे लोग को सेव योर मनी सेव योर बिजली। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बोला चाहे जियो यू डिसाइड whether you will go to the LEDH or you will follow the path, the icon one, the incandescent, not required at all. Save bijli bill, save energy, save nation and save minerals. बहुत सारी ये योजना आया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अंतर्गत एलईडी बांटा जाता है पंचायत स्तर में ब्लॉक स्तर में और एनजीओ के तरफ से इराडा का तरफ से न्यू रिन्यूएबल एनर्जी संस्था के ओर से सोलर बेस्ड सिस्टम से सेसी से आइए मिलकर हम बिजली खुद का घर का बचाएंगे देश की बचाएंगे और देश का धरोहर को बचाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। अगर अच्छा लगा देन यू कमेंट मी Follow my path, save your vision.